कॉम इंडिया मेरी बेटी नूर अब तीन महीने की हो गई है और यहाँ पे हार्श विंटर्स होने की वजह से मैं उसे राउंड द क्लॉक डाइपर्स में रखती हूँ बट फिर भी उसे कभी डाइपर रैश नहीं हुआ इन कबीर के लिए भी हमने ढाई साल तक डाइपर्स यूज किए और ना कभी उसे डाइपर रैश की प्रॉब्लम हुई और ना ही डार्क स्किन की ऐसा इसलिए क्योंकि हमने दोनों बच्चों के लिए चूज किया द सॉफ्टेस्ट मोस्ट कम्फर्टेबल एंड ट्रस्टेड हम सब जानते हैं में 16 से 18 घंटे सोती है अच्छे से अपनी नींद पूरी करती है इनफैक्ट अब तो रात को भी उसने 5 से घंटे एट स्ट्रेच सोना शुरू कर दिया है और उसकी गुड स्लीप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है उसका सुपर सॉफ्ट डाइपर द पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स जो मैं उसकी बर्थ से ही यूज कर रही हूँ सो इट एक्चुअली वॉज अ पार्ट ऑफ माई हॉस्पिटल बैग ऑल्सो पेम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स में मुझे मिलती है थ्री सिक्सटी डिग्री कॉटनी सॉफ्टनेस स ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है बाहर से भी उतना ही सॉफ्ट है और हर पार्ट इस डायपर का बहुत सॉफ्ट है ये थ्री सिक्सटी डिग्री कॉटन ही सॉफ्टनेस इंश्योर करती है कि नूर सुपर कंफर्टेबल रहे और मुझे लगता है एज अ पेरेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू कंसिडर जब आप अपने बच्चे के लिए डाइपर चूज कर रहे होते हो डाइपर एक ऐसी चीज है जो आपके बेबी की स्किन को डायरेक्टली टच करता है हम बेबीज को बहुत देर तक डाइपर्स में रखते हैं तो इसीलिए क्वालिटी पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए इंश्योर कीजिए कि डायपर अच्छी क्वालिटी का हो और बहुत ही सॉफ्ट हो ताकि आपका बेबी बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील करे ऑल्सो एक फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूंगी Pampers प्रीमियम Pants को वोट किया गया है एज द नंबर वन सॉफ्टेस्ट डाइपर बाय मॉम्स इन इंडिया और मेरा एक्सपीरियंस एज अ मॉम भी सेम हैउट नोर फीलिंग टफ और अनकम्फर्टेबल इन अ डायपर ट्वेंटी फोर बाई से इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दट पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स के साथ मुझे बेबी का डाइपर चेंजिंग टाइम ट्रैक नहीं करना पड़ता है तो मुझे लिटरली बारी

इमेजिन एज अ पेरेंट आपको कितना गिल्टी फील होता है जब आपको अपनी बेबी को डीप स्लीप से उठाना पड़ता है जस्ट टू चेंज दैट डाइपर बच्चे की नींद भी ख़राब हो जाती है कई बार बच्चे रोने लग जाते हैं और क्रैंकी भी हो जाते हैं और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि इतनी भी ज़रूरत नहीं थी डायपर चेंज करने की हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं कि कहीं डायपर लीक ना हो जाए या फिर डायपर रैश ना हो जाए पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स अप टू ट्वेल्व आवर्स लास्ट करता है बट मैं जनरली नूर का डाइपर सात से आठ घंटे बाद रात को चेंज कर देती हूँ बिकॉज तब तक उसकी डीप स्लीप जो है वो पूरी हो चुकी होती है पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स में है ट्वेल्व आवर लीक लॉक टेक्नोलॉजी जिसका मतलब है ये लीकेज नहीं होने देता है और ये यूरिन को बहुत ही अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है तो कभी भी जब मैं नूर की स्किन को टच करती हूँ तो वो मुझे हमेशा ड्राई ही मिलती है इनफैक्ट कभी जब डायपर भर भी जाता है

अच्छा रहता है बट अभी मैं वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं कर पाती हूँ मैं दिन में दो बार उसको मसाज करती हूँ तो उस टाइम पे 10 से 15 मिनट के लिए उसको डायपर फ्री टाइम मिलता है बट मैंने अभी तक उसकी स्किन में कोई रैशेस, कोई डार्कनिंग कोई ड्राइनेस डायपर एरिया में बिल्कुल भी नहीं देखा है एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि मैं पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंस यूज़ कर रही हूँ पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंस बेबी की स्किन को ब्रीथ करने देता है इवन विद द डाइपर ऑन क्योंकि इसमें 10 मिलियन माइक्रोपोर्स हैं जो एयर ड्राइनेस प्रोवाइड करते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या डायपर यूज करना जरूरी है तो इस पर मैं बोलूंगी ये टोटली आपकी चॉइस है मेरे दो बच्चे हैं एंड दोनों की ही बारी में डायपर्स मेरे लिए काफी कंफर्टेबल रहे हैं सेफ रहे हैं क्योंकि मेरी चॉइस ठीक रही है मेरा जो पहले के साथ एक्सपीरियंस था वो मैंने दूसरे पे भी यूज किया एंड इट हैज वर्कड आउट वंडर्स आप कितना डायपर यूज करना चाहते हो दैट इज अ कॉल दैट यू कैन टेक बट मुझे ऐसा लगता है कि डायपर यूज करने से आपकी लाइफ काफी कंफर्टेबल हो जाती है और आपका बेबी भी काफी कंफर्टेबल रहता है यू you नो know, जब मेरी मॉम मुझे देखती हैं है कि मैं इतनी अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ कर रही हूँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है इसमें तो वो मुझे बताती हैं कि कैसे जब हमारी बर्थ हुई थी तो अपने पोस्टमार्टम पीरियड में वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी हमारी नैपीज को सिर्फ वॉश करने में क्योंकि हम बारी बारी पीपी -पी करते थे पो करते थे तो नैपीज बारी, बारी बारी गंदी होती रहती थी इनफैक्ट वो रात को भी उठ उठ के ये देखती रहती थी कि, कि कहीं हमारी नैपी गीली तो नहीं हो गई बेड तो नहीं गीला हो गया हमारे कपड़े गीले हो गए हमें कोल्ड हो जाएगा डायपर रैश हो जाएगा तो उनका मेजर टाइम इसमें चला जाता था जो

This diaper, क्योंकि मुझे डेफिनेटली लगता है कि इसके बेनिफिट आपको जरूर पता होने चाहिए टू बी एबल टू मेक द राइट चॉइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब